पूज्य गुरुदेव के लिए इतना सुरम्य वातावरण बनाया है, इस दिव्य वातावरण के लिए आप सभी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। बंधुओं, यही परंपरा है, यही ऋषि परंपरा है। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी ख्याति है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरव में नव इतिहास रचे, भारत की शक्ति अपारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, मन मस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, जय जय भारत। आज भारत पूरे विश्व में जो एक दिव्य स्थान प्राप्त कर चुका है, पूरा विश्व भारत की ओर निहार रहा है, उसके मूल रूप में अगर कोई है, मूल रूप में अगर कोई शक्ति है, तो ये ऋषि परंपरा की शक्ति है। इन ऋषि मुनियों का तप है जो आज भारत दिव्य से दिव्य होता जा रहा है। मैं आह्वान करना चाहूंगा आप सभी जैन बंधुओं से कि जैन और सनातन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अभी एक बंधु आए, उन्होंने आकर के मुझसे कहा, बोले महाराज जी मुझे पहचानते हो? मैंने कहा देखा है। बोले मैं खंडप आपसे मिला था, नेवाड़ा परिवार से है और वो महाराज जी के हर कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और गुरु रूप में धारण करते हैं। सनातन में ऐसे अनेक लोग हैं जो जैन परंपरा के पुजारी हैं, जैन परंपरा के उपासक हैं और दोनों ही पद्धतियां सेम है। हमारे व्यास जी ने कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का मूल यही बताया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और यही जैन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म। दोनों की सेम पद्धति है, सिर्फ पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ 24 अवतार हैं तो यहाँ 24 तीर्थंकर हैं। कई पूरी की पूरी परंपरा एक दूसरे से पूरक है। इसलिए इस पावन मंच से अभी विषय आया, हमारे महेंद्र भाई बोल रहे थे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में भेद पैदा करना चाहते हैं, जैन परंपरा पर उंगलियां उठाते हैं। वो चाहे अनोप मंडल हो, कोई सा भी मंडल हो, मैं उनको सीधा सीधा कहता हूं, हमारे जैन धर्म के अगर खिलाफ बोलोगे तो हम ये समझेंगे ये हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। ये जैन धर्म, ये ऋषि परंपरा हमारी अपनी परंपरा है, इसके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उन अनोप मंडल वालों से कि आप हम लोगों के सौहार्द को ना बिगाड़ें। परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे, सद्विचार दे। अरे क्या हमारी परंपरा है, विचार तो कीजिए। ये ऋषि परंपरा पूरा समूचा विश्व जानता है और समूचा विश्व हमारी ओर निहार रहा है। कहां तक वर्णन करूं मैं भारत की ऋषि परंपरा का, बोलने की शैली से लेकर के आयुर्वेद से लेकर के सारी की सारी व्यवस्था हमें ऋषि मुनियों ने दी है। महर्षि पाणिनीय जिन्होंने व्याकरण की रचना की, भगवान ने डमरू बजाया, डमरू से 14 स्वर छंद निकले। आई उन रिल्ली के ओंग आयो छवरट लण यमगण नम झपय गर्दस जब गर्दस खप चटत चट तब कपय सस्सर हल। और इससे 14 सूत्र बन गए, व्याकरण बन गया, संस्कृत बन गई और आज जो हिंदी भाषा है ये भी इस ऋषि परंपरा की ही देन है। इस ऋषि परंपरा से हम कभी उऋण नहीं हो सकते, इसलिए इन ऋषि परंपरा के चरणों में तो सदैव नतमस्तक होना चाहिए। यहां मैं जैन बंधुओं से विशेष प्रार्थना करूंगा, अपने युवाओं पर विशेष ध्यान दीजिए। आज युवा नशे की ओर अग्रसर है। मेरे मठ का मूल स्लोगन है
और मेरा ही नहीं इन सभी संतों का स्लोगन है, सभी संत चाहते हैं कनाना मठ का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। कनाना मठ का यही संदेश, संस्कार युक्त हो भारत देश। और इन सभी महापुरुषों का यही संदेश, राष्ट्रभक्त हो भारत देश। हम तो सदैव नशा मुक्त, संस्कार युक्त और इन ऋषि परंपरा का अनुयायी बनके, इनके मार्ग का, इनके पथ का प्रदर्शन लेकर के जो जो ये आदेश करें उसको पालन करना है। और ऋषि मुनियों की परंपरा का अगर आपने पालन किया तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्पदार्थों को प्राप्त करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी का मंगल हो। माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा सभी जैन बंधुओं पर रहती है, और क्यों ना रहे, क्योंकि वो पुण्यांश में अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं, परोपकार में अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं, और भी ऐसे ही आप फलते फूलते रहे। आपकी ऐश्वर्यता, मधुरता, मृदुलता, मनोहरता, कांति व ओज और धर्म तत्परता दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। देखिए किना अभूतपूर्व क्षण हमारे लिए श्री संघ की ओर से पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज साहब मठाधीश कनाना मठ का अभिनंदन किया जा रहा है। देखिए संतों का मिलन सौभाग्य के क्षण होते हैं, जब संतों के मिलन को देखते हैं, संतों का जब हम अवसर हमें मिलता है उनकी सेवा का, उनके दर्शन का, तो इससे बड़े पुण्य का अवसर कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ही ओजस्वी शब्दों में अपने भावों को व्यक्त किया पूज्य गुरुदेव श्री मठाधीश कहूँ श्री परशुराम गिरी जी महाराज साहब ने। देखिए कि उनकी वाणी में कितनी उदारता भी थी, धर्म के साथ कितना एक संदेश था, जुड़ाव था। सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत ही सुंदर क्षण है। देखिए संतों का अभिनंदन करके हम खुद अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये गौरव के क्षण हैं हमारे लिए, ये खुशी के क्षण हैं, ये आनंद के क्षण हैं हमारे लिए। ऐसे संतों का अभिनंदन करना ये एक बहुत ही पुण्य का और बहुत ही गौरव का क्षण है। ऐसे मठाधीशों का, ऐसे गुरुदेवों का सानिध्य हमें मिलता रहे, उनका संदेश, उनकी प्रेरणा से हर व्यक्ति में, समाज में चेतना आए, संस्कार आए और सौहार्दता फैले, यही मंगल और शुभकामना। पुनः मैं सकल श्री जैन संघ बल्लारी की ओर से पूज्य मठाधीश श्री परशुराम गिरिजी महाराज साहब का बहुत ही तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सकल भारत जैन संघ की ओर से, जैन समाज की ओर से हम आपके ऋणी हैं। आपके जो उद्गार आपने जो व्यक्त किए, जैन समाज को जो आपने सहयोग का आश्वासन दिया, वो तारीफ़ काबिल है। आपका सहयोग, आपकी प्रेरणा हमें वैसा ही मिलता रहे, यही पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज साहब से। हमने परशुराम जी के खड़ग के बारे में तो सुना था, मगर आज देखा कि उनकी में वाणी में भी कितनी शक्ति है। बहुत ही सुंदर कनाना मठ, जो हमारे राजस्थान सिवांसी में बहुत ही ऐतिहासिक मठ, जो नशा मुक्ति का अभियान पूरे देश में चला रहा है, आपका अभिनंदन है, आपकी तारीफ है काबिल है। प्रभु से यही कामना करता हूँ, मंगल करता हूँ कि आपको और शक्ति दे और आप इस मिशन में आगे बढ़े। विराजित मंच के सामने में कोटि से वंदन करने के पश्चात आज जिस तरह हमारे परशुराम जी ने जो उद्बोधन दिया ना, वो वास्तव में मेरी आत्मा कांप गई। और इस तरह के शब्द, इसके लिए मुझे भी दो शब्द गाने पड़ेंगे कि तुम ही मेरे गुरुवर, तुम ही मेरे भगवान, तुम ही मेरे परमात्मा। ऐ गुरु पुष्कर गुरु पे दिल से जान कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे नि
दिन शासन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे जिन शासन तेरे लिए। वो कड़िया गुरुदेव के शब्द गुरु पुष्कर के शरणों में समर्पित करता हुआ कि गुरु जी एक कर तो देखो पाछा आए ने आप उगायो डो फल उग्यो चव और गुरु जी एक कर तो देखो पाछा आए ने गुरु जी। हमारे गुरुदेव ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। गुरु जी ब्राह्मणी कुल माए जन्मिया अरे थे तो जैन धर्म रो डंको दियो बजाए गुरु जी एक तो देखो पाछा आए ने गुरु सा ध्यान करी ने मंगलिक देवता गुरु सा ध्यान करी ने मंगलिक देवता सुनता नर नारी सिंह देवी देवता आए गुरु जी एक तो देखो पाछा आए ने। एक मिनट गुरुदेव गुरुणी मैया की प्रेरणा से बनी हमारी श्री गुरु पुष्कर जैन सेवा समिति बल्लरी लगभग 1.5 साल में अनेकों सेवा कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। गुरुदेव का आशीर्वाद है। जैसे कि गर्मियों में सार्वजनिक जगहों पर पानी का प्याऊ, कोविड की टाइम 2 बड़े वैक्सीनेशन कैंप, विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर 2 बार किया, विकलांगों के लिए 51 व्हील चेयर बेड की वितरण की, कतरी मंग यानी कि मॉड्यूलर लिम्प कैंप, जिनको हाथ नहीं, जिनको पाँव नहीं, जिनको दोनों पाँव नहीं उनके लिए कैलिपर वगैरह दिया गया, और ऐसे ऐसे विकलांग लोग आए जो रोते रोते आए और हंसते हंसते गए। लगभग 112 ऐसे विकलांगों को हमारी समिति की तरफ से और लगभग 112 विकलांग लाभान्वित हुए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बल्लारी के बम्बाशाह श्रीमान छगनराज जी, दिनेश कुमार जी, श्रीमाल ने अपनी 12,000 स्क्वायर फीट जमीन सिरकुपा रोड जो यहाँ से 10 किलोमीटर पर है श्री गुरु पुष्कर सेवा समिति को सपोर्ट करने की घोषणा की है। तो मैं समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन करता हुआ यहाँ पर विराजित सभी महानुभाव से समिति की तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी महानुभाव समिति में भेंट राशि देना चाहते हैं बाहर हमारा काउंटर लगा हुआ है, कृपया रसीद वहाँ से जरूर प्राप्त करें। आपको ये हम भरोसा दिलाते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा सेवा कार्य में लगाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। शांति बैठ है लाए ऐसा माइक अलग पकड़ के तुमको परम श्रद्धे अरम उजनी है कली काल सर्वज्ञ उज्ज श्री ज्येष्ठ मजी महाराज चरण को कोटि बंदन मेरी अनंत आस्था के केंद्र अनंत के निकेतन श्रद्धे गुरु भगवान के श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटि बंधन आदरणीय विदुषी साधु ग्रंथ धर्म प्रेमी बंधुओं सुशील माताओं एवं बहनों
सूर्य अभी नहीं कहता मैं तेजस्वी हूँ, चंद्रमा कभी नहीं कहता मैं शीतल हूँ, गुणगान कभी नहीं कहता मैं गुणवान हूँ, लेकिन मैं जरूर कहूँगा तेजस्वी शीतल गुणवान हम भाग्यशाली है उन्हें ऐसे गुरुदेव पुष्कर मुनि की माता मिले। हम गुरुदेव के गुणानुवाद कर रहे हैं, खाली गुणी गाते रहेंगे प्रशंसा ही करेंगे या पसंद भी करेंगे। आप किसी की दुकान पे गए और माल बहुत अच्छा और उसकी प्रशंसा करते रहे, वो कहेगा दुकानदार खाली प्रशंसा ही करनी है या कुछ खरीदोगे भी? इसलिए खाली प्रशंसा नहीं, हमें उनके जो गुण थे वो अपने जीवन के अंदर उतारना। हमारे यहाँ एक जन्म होता है, एक जन्म जयंती होती है और एक जन्म कल्याणक होता है। जो जन्म से महान होते हैं वो कहलाते हैं तीर्थंकर, उनका जन्म कल्याणक होता है, और जो जन्म से नहीं अपने कर्म से अपने पुरुषार्थ से अपने त्याग से महान होते हैं उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, और जो सामान्य लोग होते हैं उनका खाली बर्थडे मनाया जाता है। तो आज हम जिस महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं वो महापुरुष एक बीज था और उस बीज को वट वृक्ष बनाने वाले माँ श्री पूज्य ताराचंद जी महाराज थे, जिसकी छत्र छाया में हजारों लोगों लाखों लोगों को क्या मिलती? शांति मिलती। वो एक पत्थर थे जिसको एक शिल्पकार मिला और उसको घट करके ऐसा तैयार कर दिया, आज लाखों का बननीय पूजनीय और अर्चनीय बन गया। एक मिट्टी का लोटा था उसको एक कुंभ की शक्ल दी, इसलिए गुरु को कुंभकार की उपमा दिए। अगर उनको गुरु नहीं मिले होते तो उनका जीवन इतना महान नहीं बनता। इसलिए पूज्य गुरुदेव भले ही उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप देखो और संस्कार छोटी उम्र में, कई लोग कहते हैं अभी सूरत में दीक्षा हुई 75, छोटे छोटे बच्चे दीक्षा लेके ओगल लेके नाच रहे थे। एक भाई बोला गुरुदेव ये छोटे छोटे बच्चे क्या समझते हैं? मैंने कहा तू तो समझता है, चल तू आ जा फिर, वो तो नहीं समझते, तू तो समझता है। आप देखो हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए महापुरुष हुए, इतिहास को उठा के देखो जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा लिए वही आगे जा करके शासन के सितारे बने। देख लो चाहे आनंद ऋषि जी महाराज हो, चाहे आचार्य हस्तिनल जी महाराज हो, चाहे पुष्कर मुनि जी महाराज हो, चाहे मर्दर केसिंह मिश्रीमणि जी महाराज हो, जितने भी महापुरुष हुए इन्होंने छोटी उम्र के छोटे पौधे को जिधर मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो और बड़े पेड़ को मोड़ना बोलो हाथ की बात है। इसलिए छोटे बछड़ा होता है बछड़े को कंट्रोल कर सकते हो, और कई लोग बड़ों को पकड़ के लाते भाजी दीक्षा नदी ये बैल है और सींग मारेगा और उल्टा मुश्किल होगी। छोटे बछड़े को तो संभाल सकते हैं लेकिन बैल को संभालना मुश्किल होता है। और कई बार आप देखो गन्ना होता है, गन्ने का रस निकालते फिर डबल करके फिर डालता, फिर डबल करके फिर डालता, फिर थोड़ा रस रहता फिर डालता, चार पांच बार में पूरा गन्ना क्या हो जाता है? बस ये बड़ी उम्र वाले वो रस निकले हुए गन्ने जैसे हैं, अब इनको लेकर के भी करे क्या? हमें एक फ्रेश मालो, छोटे बच्चों में ऊर्जा होती है और भोग के लिए भी ऊर्जा चाहिए और संयम के लिए भी ऊर्जा चाहिए।